Hey guys, welcome back to another Ark Survival Evolved. तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ग्रिफिन को सबसे ज़्यादा जल्दी और कैसे टेम कर सकते हैं। उसके लिए एक ट्रिक है, सिंपल सी ट्रिक है। अगर ये पहले भी हैरी ने डाल रखी है तो मैं वापस एक बार डाल रहा हूँ आपके लिए, जो भी नए बंदे हैं उनके लिए डाल रहा हूँ कि ग्रिफिन को आप जल्दी से जल्दी कैसे टेम कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या सिंपल चीज़ क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको ट्रैप बनाना पड़ेगा। ट्रैप को कैसे बनाना है मैं आगे जाकर बता दूंगा, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं अलार्म बना दिया था, अलार्म सब करके सकते हो। बेसिकली आप सोने का टाइम सेट कर सकते हो, आपको 9 घंटे सोना है, आपको 6 घंटे सोना है या फिर आपको 1 घंटे सोना है, तो ये काफ़ी सही चीज़ है। चलो फिलहाल की मेरे को प्रिपरेशन करना होगा थोड़ा सा, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले तो मेरे को चाहिए होगा सूदिंग बाम। सूदिंग बाम शायद से मैंने इसमें रखा था क्या, एक सेकंड, नहीं आई थिंक इसमें नहीं रखा था मैंने सूदिंग बाम, मैंने इसमें रखा था, हाँ इसमें रखा था। तो सूदिंग बाम मैं लूँगा आई थिंक 15x का, क्योंकि मेरे को जल्दी से जल्दी ग्रिफिन टेम करना है। आप नॉर्मल वाला सूदिंग बाम यूज़ कर सकते हो 10x वाला, मैं 15x वाला यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज ये मेरे को मिला था मैंने डंजन से। एंड अभी मेरे को एक और चीज़ चाहिए, वो है अपना बेड एंड एक फाउंडेशन। तो ये मैंने इसमें रखा था, मेरे को जहाँ तक याद है यही पे मैंने रखा था। ओके ये रहा फाउंडेशन, और यहाँ पे 3 बेड है, एक ही बेड लेना है। बस आपको करना क्या है, ये चीज़ ले लेनी है, और ग्रिफिन को नॉक करने के लिए मैंने ले रखा है टॉक्सिक एंड एरो विथ अपना कंपाउंड बो, जो कि एकदम अच्छा कॉम्बिनेशन है। मेरा आई थिंक कंपाउंड बो का डैमेज है वो आई थिंक 1K जितना है, तो वो काफ़ी है। और इसके लिए आप अर्जेंट यूज़ ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि वो ट्रैप जो है वो थोड़ा सा अलग है। आपको जो देखो, आपको जैसा भी ट्रैप इजी लगे ग्रिफिन को ट्रैप करने के लिए वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बस ग्रिफिन ट्रैप होना चाहिए। तो अभी सिंपली क्या करना है, ओके मेरे पास ग्रिफिन को देखो, एक बंदे ने बोला था कि भाई ग्रिफिन को आप रॉ मीट से टेम करके दिखाओ, तो चलो आज के वीडियो में हम रॉ मीट से ग्रिफिन को टेम करेंगे और देखेंगे भाई वो टेम होता है कि नहीं होता। एज अ चैलेंज मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को मीट मिल जाएगा और डूडूस का म्यूटेशन चल रहा है, और मेरे को गाइस कमेंट में बताओ, ठीक है, मेरे को कमेंट में बताओ। मेरे पास 4 डूडू के अंडे थे, ठीक है, अच्छे अच्छे स्किल वाले, समथिंग लाइक 1.99 समथिंग 90 है, ठीक है। तो मैंने चारों के चारों अंडे हैच किए, ठीक है, ये इतना समझ गया अब। उसके बाद 3 बच्चे वो ग्रो हुए, ठीक है, सब एक साथ ही हैच हुए, तो सारा का सारा चीज़ मैचुरेशन सेम ही होगा। तो वो ठीक है, 3 बच्चे 50% मैच्योर हो गए, लेकिन उनमें 4th बच्चा है वो भाई 12% मैच्योर हुआ। क्यों इतना लेट क्यों हो रहा है, कोई मुझे बताएगा कमेंट सेक्शन में, ज़रूर से ये चीज़ बता देना। अभी हम फटाफट से चलते हैं ग्रिफिन आइलैंड, और वहाँ पे देखते हैं अच्छा ग्रिफिन, उसको करेंगे ट्रैप और करेंगे टीम। चलो गाइस चलते ग्रिफिन आइलैंड। सो गाइस मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पे ग्रिफिन आइलैंड, और यहाँ पे देखो ग्रिफिन माउंटेन, सॉरी मैं आइलैंड क्यों बोल रहा हूँ आई डोंट नो, ये ग्रिफिन माउंटेन है, यहाँ पे आपको ग्रिफिन स्पॉन होते हैं। देखो ये वाला ट्रैप मैं यहाँ पे सबसे पहले तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे डायनो मेरे को क्लियर करने पड़ेंगे, नहीं तो मेरा जो ग्रिफिन भाई है वो उन सबको मारने के पीछे लग जाएगा। ओके फिलहाल के लिए यहाँ पे तो कोई ऐसा ही रैप्टर्स वगैरह है, ओके इनको मारना पड़ेगा फटाफट से। बस रैप्टर का दिक्कत ही में चढ़ जाएंगे ना मेरे, मेरा टेक सूट पार देंगे भाई, तो थोड़ा सा भाई एक सेकंड इनको मारना है, थोड़ा ऊपर उड़ के मारना पड़ेगा। ओके एक, चलो एक आध गया, एक बचा है, ओके फाइनली सारे रैप्टर जो है ख़त्म हो चुके हैं, और सामने की साइड एक रैक्स मेरे को दिख रहा है बहुत नीचे, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो देखो यहाँ पे एक अपने को ऐसा ट्रैप बनाने का है, ओके वो सेबर तो पक्का मेरे पे एग्रो होगा ही, मेरे को लगा ही था। ओके 2 है, फटाफट इनको भी क्लियर कर लेते हैं भाई, नहीं तो ये बीच में आते बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं भाई, इतना डिस्ट्रैक्ट करते हैं ना भाई, मतलब क्या ही हो जाएगा भाई, दुनिया हिल जाएगी, इतना डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं यार ये लोग। देखो आपको ट्रैप सिंपल क्या बनाना है, स्टोन का बनाना है, डायनो गेटवे ऐसा रखना है जैसे कि लास्ट वाला जो गैप रहे ना उसमें से अपना पैटर्न आराम से निकल पाए। बस आपको ऐसे सेट करना, आगे एक डोर पीछे एक डोर, ठीक है, पीछे का डोर ओपन रखना है जब तक आप ग्रिफिन है वो नहीं आ जाता। अभी मेरे को सबसे पहले तो मेरे को ग्रिफिन ढूंढना पड़ेगा, ग्रिफिन आई थिंक यही नीचे कहीं पर मिल जाएगा मेरे को। ओके मेरे को ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो स्पॉन हो रहे होंगे शायद से अभी, बिकॉज मैंने रिसेंटली अपना टाइडी सेव किया था, टाइडी सेव में पूरा डायनो वाइप हो जाता है, तो भाई वो दिक्कत है थोड़ा सा। एंड यहाँ पे देख सकते हो एक सेकंड, ओके ये देखो ये रहा ग्रिफिन, ओके 20 लेवल का, जो लेवल का मिला उसको टीम कर लेंगे कोई बात नहीं, लेकिन करेंगे रॉ मीट से, प्राइम मीट नहीं, रॉ मीट से, ठीक है। ओके चलो तो फिर फटाफट इस ग्रिफिन को है जो हम अपने पीछे लेके आते, क्या हुआ भाई, हेलो कहाँ गया ये भाई मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है आजकल के भाई गीगा से ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट ग्रिफिन होते हैं भाई। मैं 2 बार ग्रिफिन टीम करने गया भाई, इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं ना भाई कि बंदे क्या ही बोले भाई। अभी इनको मारने जाऊँगा तो मेरा पैट्रा का जो डैमेज है, मेरा पैट्रा का वो कुछ बहुत ही ज़्यादा है, मतलब बहुत अच्छा खासा पैट्रा का मैं डैमेज बढ़ा के रखा है, तो भाई इसका मारूंगा तो ये तो पहले मरने की हालत में आ जाएगा, फिर टीम ओपन हो नहीं पाएगा ये। चलो सबसे पहले तो यहाँ पे 2 एंक किए, यहाँ पे भी 1 एंक था, इसको मैं मार लेता हूँ फटाफट से, बिकॉज ये भी उस पर अगर हो जाएगा तो वापस से ये भी उसकी हेल्थ लो कर देगा, तो ये मैं नहीं चाहता।
अभी पता नहीं कब तक ये भाई इसको मारता रहेगा। मैं इसकी हेल्प भी नहीं कर सकता, अगर मैं इसकी हेल्प करने जाऊंगा और उसको लग जाएगा तो ऑब्वियसली बात है उसकी हेल्थ जो है वो डाउन हो जाएगी और उससे वो टेम नहीं हो पाएगा। भाई कब मारेगा? ओके आ रहा है। चलो ये अपने पीछे आ रहा है, अपने पे एग्रो हो चुका है। अभी हम धीरे धीरे करके जाएंगे अपने ट्रैप के बस को लेके जाएंगे एंड फिर इसको कर लेंगे ट्रैप। ये ओके आ रहा है, बहुत बढ़िया आ रहा है ये। ओके वहाँ पे एक स्टेगो है, ओके कोई बात नहीं। और ये चीज़ आपको कब करनी, जब रात हो रही होगी, ठीक है। ये चीज़ आपको तब करनी है जब आपको रात हो रही होगी, आप दिन का मत करना क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा फिर क्या पता डिस्पॉन का चक्कर भी, वो सारा का सारा भाई चीज़ आर्क में भरा पड़ा है। तो यार आप ना ही करो तो अच्छा ही, दिन में थोड़ा रात के टाइम पकड़ो जैसे कि शाम का टाइम हो रखा है अभी। ओके ये ओके तब तक मैं दरवाज़ा खुला हुआ है, वाह कितना सही है ना। चलो यहाँ पे फिलहाल के लिए भाई ओके यहाँ पे आ जा हाँ कर ले भाई, एग्रो हो जाए मेरे पे। एग्रो होने के बाद इसको हम करेंगे अपने पे फॉलो करने के बाद इसको करेंगे अपन ट्रैप। ओके ट्रैप सिंपल करना है आपको, पैटर्न से इधर इसको इस डायरेक्शन में लेके आना है, यहाँ पे आपको उतर जाना है, उधर उसको पैटर्न को बाहर निकाल देना है इस गैप में से एंड आपको क्या करना है, आपको लीव कर देना है एंड फटाफट से जाके दरवाज़ा बंद कर देना है। ओके ओके हो जाए दरवाज़ा बंद। ओके भाई ओ अबे भाई भाई इनका गलत ही आर्क का पता है, इतना ज़्यादा दिक्कत है ना भाई, क्या ही बोलूँ भाई, नहीं होता कभी भाई। फिर से आ जा तू। ओके ओके आ रहा है। ओके एग्रो हो गया, इतना धीरे लेकिन क्यों एग्रो हुआ मुझे नहीं पता। फटाफट से भाई तू मेरा पीछा करो भाई, ट्रैप में एक बार फंस जा भाई। इससे आपको क्या करना है, बस ट्रैप में फंसा के रखना है ग्रिफिन को यार। ओके आ गया आगे, ग्रिफिन भी आ गया भाई जान दे एक सेकंड फटाफट से जाऊँगा इस बार, थोड़ा क्लोज जाऊँगा भले डैमेज पड़ जाएगा थोड़ा सा। ओके भाई बंद होना ना यार, क्या हो रहा है। ओके हो गया फाइनली गाइस, अपना ग्रिफिन जो है वो ट्रैप हो चुका है। अभी आपको करना क्या है, जस्ट फटाफट क्या करना है आपको, ये ग्रिफिन ट्रैप हो गया ठीक है कोई बात नहीं। अब आपको क्या करना है, सिंपल अपना ब्लेड पेश कर देना है यहाँ पे, आप कहीं भी कर सकते हो जहाँ पे आप ग्रिफिन टेम करोगे वहाँ, बस खतरा ना उतना ध्यान रख लेना। ओके बेड को यहाँ पे लगा दूंगा मैं। अभी क्या करना है, देखो ग्रिफिन तो अपना ट्रैप रहेगा, अब इसको नॉक अभी नहीं करना है ठीक है, अभी इसको नॉक नहीं करना है। अभी जैसे रात हो जाएगी वैसे आपको क्या करना है, फटाफट से अपना सो जाना है और सोने के बाद भाई आपको उठ के इसको नॉक करना है। तो फटाफट चलो हम एक काम कर लेते हैं, फटाफट से सो लेते हैं, बाद में इसको टेम करेंगे भाई, 20 लेवल का है। चलो कोई बात नहीं, इजी टेम हो जाएगा, लेट्स गो सोते और उसके बाद दिन को आते। ओके गाइस दिन हो चुका है और अपना ग्रिफिन भी अभी भी अच्छा हुआ डिस्पॉन नहीं हुआ, डिस्पॉन होने का चांसेस होता है लेकिन फिलहाल के लिए होते नहीं है। अभी आपको करना क्या है, जस्ट आपको इसको नॉक करना है। ओके पहला एरो मिस, सेकेंड भी मिस। ओके भाई ये आई थिंक मेरे को इसमें जो जगह है ना वो कम है थोड़ी सी, इधर जाऊँगा तो भाई मार देगा वो मेरे को। एक काम करना पड़ेगा मेरे को, अच्छा सा एंगल लेके मारना पड़ेगा। ओके यहाँ से लगेगा क्या? ओके लग एक सेकंड भाई रुक जा एक सेकंड। हाँ भाई क्या अभी भी नहीं लगा भाई? ओके हेड दिख रहा है, ओ लगा। एक चलो एक दो। ओके गाइस चलो इसको भी नॉक करें फटाफट से चलो। ओके एक नॉक हो गया भाई साहब। ओके जो ज़्यादा लेवल का था नहीं इसलिए ये तो जल्दी से नॉक हो गया। देखो अभी इसका जो फूड लेवल है वो एकदम होगा जीरो, तो आप समझ ही सकते हो भाई साहब। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस क्या करना है, रॉ मीट लेके आना है और इसके अंदर डाल देना, सूदिंग बाम जरूर से डालना। अगर आप सूदिंग बाम के बिना ग्रिफिन टेम करोगे ना भाई, इतना ज़्यादा मुश्किल है ना आप सोच नहीं सकते ठीक है, इतना ज़्यादा मुश्किल है। चलो अभी आप इसको रॉ मीट से टेम करने वाले हैं, फटाफट से एक काम करेंगे, फटाफट सारा थोड़ा 100-200 प्राइम रॉ मीट ले लेंगे एंड इसको डाल देंगे इसके इन्वेंटरी के अंदर। सबसे पहले इसमें सूदिंग बाम दूंगा 15x वाला एंड चलो। ओके क्या एक सेकंड, 2-3% और फूड लेवल कितना बढ़ रहा है भाई, भाई ये टेम होगा कि नहीं होगा भाई? घंटा नहीं लग रहा टेम होगा ये भाई 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 हेलो भाई 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 अभी इसका क्या करे हेलो, ऐसे तो घंटा टेम नहीं हो, अभी फूड बॉल आधा तो भरने वाला है। ओ भाई लग गए गाइज, चैलेंज खत्म, चैलेंज भाड़ में जाए, मुझे नहीं करना इसको रॉमिट से टेम भाई, निकालो सौ में सारा रॉमिट, नहीं करना भाई इसको। चेप स्टेशन लगा था एक से, लग जा भाई लग जा, किधर तो भी लग जा भाई, कहाँ तो भी लग जा। ओके यहाँ पे लग रहा है। ओके फटाफट से मैं लूँगा इसके एलोस और की बल दे दे भाई, ये कहाँ गए एलोस और की बल? ओके भाई ये नहीं है, 300 का ले लेता हूँ मैं, बाहर में गया 300 का ले लेंगे अपन। ओके भाई कहाँ गया क्या क्या, लो ये रहा लो। ओके इस काम भाई दे दे भाई। ओके क्रिएट मिक्सिस दो, कितने थोड़े से ले लेते, 4-5-6-7-8-9-10-11-12। ओके इसको बाद में उठा लेंगे हम, फटाफट जाएंगे भाई भाई। ओके 12 है, ओके अभी तो हो जाना चाहिए टेम। ओ भाई ओके 36-53 इसका फूड लेवल। ओके गाइस भाई नहीं करना चैलेंज भाई, मैं आपको, मेरे को लगा भाई 20 लेवल का ग्रिफिन है भाई टेम हो जाएगा,
भाई रॉ मीट से ऊपर से 15x देके 1%, मतलब अगर मैं इसको अगर ये नहीं देता 15x तो ये कितना टेम होता, 0.1%। भाई ये क्या मजाक चल रहा है क्या भाई? हेलो गाइस, इस टिक से आप ग्रिफिन को कर सकते हो, लेकिन मैं आपको राय दूंगा भाई आप रॉ मीट से मत करो, ना ना मत करो भाई रॉ मीट से आप टेम मत करो। इससे अच्छा आप थोड़ा ये कर लो, अलोसोर टेम कर लो फीमेल वाली, थोड़े से अंडे बंडे निकाल लो, उसका किबल बनाओ, या फिर चेफ स्टेशन ले लो, या फिर प्राइम मीट करो भाई। आई थिंक प्राइम मीट से 4-5% तो हो ही जाएगा, मतलब टेम तो हो ही जाएगा एटलीस्ट। रॉ मीट से तो मत ही करियो भाई, रहने दो रॉ मीट से भाई, फट के चार हो गए हाथ में। गाइस ये भाई ये होता है ग्रिफिन को टेम करने की हालत, अगर आप बिना सूदिंग माम के करते फिर आप समझ लो अपना हाल क्या होने वाला है, ठीक है आप समझ ही सकते हो। तो गाइज ये एक ट्रिक थी, आप जल्दी जल्दी उसका फूड लेवल डाउन कर सकते हो, उसको आराम से 1 मिनट के अंदर टेम कर सकते हो अगर आपके पास किबल होगा या फिर प्राइम मीट होगा, प्राइम मीट का जुगाड़ आप कर लेना, और रॉ मीट से आप टेम मत ही करना तो बहुत सही रहेगा। लेकिन अगर आपको ये ट्रिक पसंद आ चुकी होगी तो मेक श्योर लाइक कर देना, एम रखते हैं 400 लाइक्स का, फटाफट से देखो 400 लाइक्स कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है, नहीं हुई तो फटाफट लाइक का बटन दबा दो यार, एंड चैनल का सब्सक्राइब का बटन है वो भी ज़रा दबा दो, एंड डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना, डिस्कॉर्ड फटाफट से वहाँ पे भी कुछ तो भी एक धमाल चौकड़ी होने वाली, तो वो जरूर से ज्वाइन कर लेना। एंड नेक्स्ट एपिसोड में शायद से मैं कुछ अलग सा टीम करने वाला हूँ, तो उसका नाम बता देना कमेंट में क्या होना चाहिए। एंड चलो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। We'll be right back.